गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी शिप विद प्रीति। क्लास 11th वालों के एग्जाम चल रहे हैं तो मुझे पता है कि यार बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही होगी। आज इसमें हम पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे, दैट हाउ यू कैन डू बेटर इनटू योर पॉलिटिकल साइंस, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट नोट्स एंड एवरीथिंग। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू नो एवरीथिंग रिगार्डिंग योर पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 स्टूडेंट्स के अभी ज़्यादातर एग्जाम्स ही चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, सिंस यू आर गोइंग टू एंटर इनटू योर क्लास 12th, तो हम एक क्रैश कोर्स जो है वो चलाते हैं। इसमें हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस हमारे लाइव लेक्चर में कवर की जाती है। इफ़ यू थिंक कि स्टडीशिप के वीडियोस आपको हेल्प करते हैं तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रैल से हमारा एकदम फ्रेश बैच स्टार्ट होगा, जो क्लास 11th के बच्चे 12th में आएंगे उनके लिए। सो यू कैन ज्वाइन इट, इट्स अ पेड कोर्स। नंबर इज गिवन हियर, जस्ट कॉन्टैक्ट मी देयर एंड गेट रजिस्टर फॉर योर अप्रैल क्रैश कोर्स। चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस में यार मैंने सारे नोट्स डाले हुए हैं, अवेलेबल है, एंड आई थिंक दैट की नोट्स काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड नोट्स हैं। मतलब मैंने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाए थे, तो यू कैन रेफर, एंड आफ्टर रेफरिंग दोज नोट्स यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, वहाँ वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए काफ़ी होगी। तो पॉलिटिकल साइंस में आप परफॉर्म कैसे अच्छा करें, पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 की मेरे हिसाब से यार बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। वॉट यू नीड टू डू, जस्ट गो फॉर द थ्योरी। आपकी जो पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक है ना, उसमें केवल थ्योरीज 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 ही बात की गई है, और वो थ्योरीज के बेसिस पे आपकी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस टिकी हुई है, याद रखिएगा। मतलब उन्होंने सिंपली आपसे पूछा वॉट इज कैपिटलिज्म, दे आस्क यू दैट जॉन स्ट्रॉ का रॉल का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, वो क्या है। तो आपको बस ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है एंड इनकी डेफिनेशन याद रखनी है। डो नॉट थिंक दैट कि यार मुझको जैसे किताब में लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। वर्ड्स अगर आपके होंगे ना, तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। अगर हम बात करें हमारी फर्स्ट बुक की, पॉलिटिक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, तो वो वाली बुक में ज़्यादातर चैप्टर्स इज ऑल अबाउट आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बुक का ही नाम ही है। तो एग्जीक्यूटिव कैसे वर्क करती है, लेजिस्लेचर कैसे वर्क करती है, लोकल गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, आपको फिर भी लगता है यार कि मुझको ना समझ में नहीं आ रहा है, आप वीडियोस देखिए। मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। एक चीज़ याद रखिएगा, फिर अगर वीडियो से भी नहीं आता है समझ में, आपने खुद पढ़ लिया तो भी नहीं आता है, जो यूपीएससी से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं ना, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बायजूस वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि कैसे जो है वो आप कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि उसमें ना काफ़ी ज़्यादा एक समराइज पैटर्न में बताया। इनफैक्ट जो मैंने वीडियोज़ बनाई है वो समराइज फॉर्म ही है। आई हैव नॉट मेड वीडियोज़ इन ए डिटेल, बिकॉज आई बिलीव दैट कि समराइजेशन चाहिए होता है हमें एग्जाम के टाइम पर, और वो वाले वीडियोज़ मैंने सारे एग्जाम्स के टाइम ही बनाए थे। तो बस केवल पॉलिटिकल साइंस में इतना है, डू नॉट गिव योर ओपिनियन इन आंसर शीट। आंसर शीट में जब भी आप आंसर लिखो तो केवल इतना ध्यान रखना कि मुझे अपना ओपिनियन नहीं देना है, हमेशा आंसर बैलेंस करना है। पॉलिटिकल साइंस इतना डिफिकल्ट भी सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, नोट्स रेफर करते हो, तो फिर आपको बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट्स गोइंग टू बी मोर देन इनफ फॉर यू। यूजुअली आई डू नॉट से दिस, बस आप लोग क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो मैं कहूँगी हाँ भैया इतना बहुत होने वाला है आपके लिए। अनटिल देन हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, डू लेट मी नो कि अगर आपके एग्जामिनेशन चल रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, फॉर विच सब्जेक्ट यू वांट मी टू मेक अ वीडियो। अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री का भी कुछ ऐसे ही वीडियो बनाया जाए कि कैसे पढ़नी चाहिए, क्या ट्रिक्स होनी चाहिए, देन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं क्लास 11th वालों के लिए इसका एक वीडियो बनाऊँ। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन टू दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब स्टडीशिप विद प्रीति फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट। मिलते हैं आपकी क्लास 12th में, क्योंकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। क्लास 12 के सारे वीडियोज यहाँ पे हैं, एंड इस बार कुछ नया भी आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।